स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का बढ़ रहा है आंकड़ा। 30 अगस्त तक देश भर में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज, पिछले साल के आंकड़ों से करीब 4 गुना ज्यादा मामले आए। स्वाइन फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर ताजा हालात की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक ने घुटना प्रत्यारोपण की फीस ना दर्शाने वाले देश भर के 40 अस्पतालों की सूची जारी की, भोपाल के बंसल अस्पताल का भी है नाम। हीरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सीबीआई की विशेष अदालत से दोषी करार, पंचकुला में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा सजा का ऐलान। गुरमीत राम रहीम की सजा का ऐलान होते ही समर्थकों ने मचाया उत्पात, हिंसा में 29 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर बालाघाट में होगा वृहद कार्यक्रम का आयोजन, जिले के शिक्षकों का होगा सम्मान, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने तैयारियों की समीक्षा की। शाहजहांपुर जिले में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोगों को नए भारत के निर्माण का दिलाया संकल्प, कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान किसानों को अत्याधुनिक ढंग से उन्नत खेती करने के तकनीकों की दी गई जानकारी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में पंचायती राज प्रतिनिधियों को जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और गंदगी मुक्त भारत बनाने का दिलाया संकल्प, उल्लेखनीय कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को किया गया सम्मान। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के पदों के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित की, 4 सितंबर से शुरू होंगे इंटरव्यू, 15 सितंबर तक जारी रहेंगे, लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को आयोग ने भेजे कॉल लेटर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 28 अगस्त अंतिम तारीख, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से लिया जा सकेगा प्रवेश, इच्छुक छात्र अपने सभी दस्तावेज अपलोड करके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं भुगतान। देश में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करने मिट्टी के गणपति की स्थापना की गई, उज्जैन में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 301 पंडालों को वितरित किए मिट्टी के गणपति। उत्सव के पावन अवसर पर खरगोन में 5 मिलीमीटर की गणेश प्रतिमा की गई स्थापित, सेवानिवृत्त मैकेनिकल इंजीनियर अशोक गर्ग ने की है स्थापना, 2 साल पहले 6 एमएम की मूर्ति बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं नाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में विधि विधान से स्थापित किए गणपति, मंत्रोच्चार और आरती कर गणपति की वंदना की, लोगों की खुशहाली और विकास के लिए प्रार्थना की। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, पेशवा कालीन मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के किए दर्शन, भव्य आरती का हुआ आयोजन। मुरैना में सांसद अनूप मिश्रा ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण, जौरा में मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित, ग्रामीण क्षेत्रों में बाईपास मार्गों का किया लोकार्पण।